हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओटीजीडी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मानव संसाधन है, मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी, कौशल, ऊर्जा, ज्ञान, ये सभी मानव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2, बजट क्या है। बजट आय व्यय का ब्यौरा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं बजट आय व्यय की योजना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूती कपड़ों में आसानी से सिकुड़न निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेशे में कम प्रतिस्पंदनता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रेशों में असामान्य रूप से तीव्र चमक होती है। 4th का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4th का राइट आंसर जो है यहाँ पर दिया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर ये डिलीट किया गया क्योंकि जो सभी ऑप्शन है इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुनाई में धागों को लंबवत एवं आड़ा प्रयोग करने हेतु आने वाले तकनीकी शब्द क्रमशः निम्नलिखित हैं, यानी टेक्निकली वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, जो हम लंबवत धागे लेते हैं या फिर आड़े धागे प्रयोग करते हैं, उनको हम कहते हैं ताना और बाना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम मानव कर्तंतु जिसका उत्पादन सन 1895 एडी में हुआ था, तो वो कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ये आप सभी को पता है, रेयन। क्वेश्चन नंबर 7 है, गलाने की प्रक्रिया किस तंतु के उत्पादन में उपयोग होती है, तो ये होती है लिनन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, और इसको गलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सही क्रम इसमें लगाना है। सबसे पहले आएगा पॉलीमराइजेशन, देन आएगा रिबन बनाना, उसके बाद आएगा चिप्स बनाना, और सी नंबर आ जाएगा फिर आपका पिघलाना, फिर आएगा कताई, और सबसे लास्ट में आएगा धागा खींचना एवं ऐंठना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रेशे की प्राथमिक विशेषता नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घनत्व। यह है प्राथमिक विशेषता नहीं है रेशे की, मजबूती, बंधन क्षमता, लचीलापन, ये सभी प्राथमिक विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बुनाई के समय कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जैकार्ड बुनाई में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस तंतु पर कीड़ों और फफूंदी का आसानी से प्रभाव पड़ता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऊनी तंतुओं पर कीड़े और फफूंदी का आसानी से प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, तंतु मेडन को नापा जाता है प्रति इंच में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा 3, जो तंतु में एटन होती है, ट्विस्टिंग होती है, उसको इंच में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर के नाप की सहायता से पैटर्न बनाने की प्रक्रिया है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसको कहते हैं खाका बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, वस्त्र को पोशाक हेतु काटने का सही क्रम दीजिए। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये सही क्रम है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, माप लेंगे, उसके बाद उसका खाका बनाएंगे यानी पैटर्न बनाएंगे, फिर हम लेआउट योजना बनाएंगे और C1 रेखा उसकी छापेंगे हम चाक की मदद से, और सबसे लास्ट में वस्त्र की कटाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूण के शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले विकसित होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये होता है सिर। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की हर सामान्य कोशिका में निम्न संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 46, यानी यहाँ पर संख्या पूछी गई है। अगर आपसे जोड़े पूछे जाते हैं तो ये आएगा 23 और संख्या आएगी 46। क्वेश्चन नंबर 17, एक भारतीय शिशु का जन्म के समय निम्नलिखित सामान्य वजन क्या माना जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.6 से 3.4 kg, यानी 2.5 से यहाँ पर आपको 3.5 तक का अगर ये आंसर भी मिलता है तो ये भी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.6 से 3.4 kg तक। क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्ष की उम्र पर शिशु के शारीरिक माप में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शरीर भार तिगुना हो जाता है और लंबाई 50% तक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के निकट दूर क्रम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अंग सर्वप्रथम कार्यरत होता है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये होता है हृदय। किसके अनुसार, निकट दूर क्रम के सिद्धांत के अनुसार, और वैसे अगर नॉर्मल पूछा जाए तो सबसे पहले सिर विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कुछ नवजात सहज क्रियाएँ हैं। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ACDE, यानी मोरो, रूटिंग और बेबिंस्की, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 22, कुछ व्यवहार संबंधी असामान्यता जो समस्यात्मक बच्चों में देखी जाती है वह क्या क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा,
ये होती है सभी, यानी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध की प्रवृत्ति, नाखून खाना, ये सभी असामान्यतः समस्यात्मक बच्चों में देखी जाती हैं क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 23 ज्ञानेंद्रीय विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? तो ज्ञानेंद्रीय विकास जो होता है वह सर्वाधिक होता है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बालक के भाषा विकास के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उचित सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 25 बालक के नैतिक विकास हेतु प्रेरणा के कारक है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी यानी अस्वीकृति का भी है, स्वीकृति की चाह, पहचान की चाह, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में वृद्धि विकास को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी यानी वातावरण, आनुवंशिकता, पोषण, तो ये सभी बच्चों की जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी जीवन काल की स्वर्णिम अवस्था मानी जाती है? तो स्वर्णिम अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसी को तनाव की अवस्था कहते हैं, इसी को तूफानी अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अध्ययन का एक क्षेत्र जो संपूर्ण जीवन अवधि में मानव वृद्धि के समस्त पहलू को समर्पित है। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये होता है मानव विकास। क्वेश्चन नंबर 29 कौन समय से जन्मे एक सामान्य शिशु की जन्म के समय लंबाई होती है? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये होती है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्या माना जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये होती है निर औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31 है कार्यक्रम मूल्यांकन का साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये है 1 और 2 दोनों, यानी अपनाने के अभ्यास का आकलन और प्रदर्शन का आकलन। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का प्रसार कार्यक्रम नहीं है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यह भारतीय कृषि अनुसंधान का कार्य नहीं है। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी, ये सभी कृषि अनुसंधान के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए विधान को उनके क्रियान्वयन के आधार पर पूर्व से नवीन की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, DCBA, सबसे पहले GAW अधिनियम, उसके बाद CRPD अधिनियम, और उसके बाद आएगा RTI अधिनियम, और सबसे लास्ट में आ जाएगा POCSO अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 34 स्वयं द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार संचार के निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये है ACBDE, यानी सबसे पहले स्रोत, उसके बाद कूट भाषा में बदलना इनकोडर, उसके बाद संदेश, उसके बाद आएगा कूट भाषा से बदलना डिकोडर, सबसे लास्ट में आएगा गंतव्य। क्वेश्चन नंबर 35 सर शिक्षा अभियान का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 2001 में। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन कौन सी दृश्य शिक्षा सामग्री है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ABD यानी ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स और फ्लैश कार्ड, ये दृश्य शिक्षा सामग्री है। लाउड स्पीकर आपको पता है श्रव्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 37 वह चपटी कठपुतली जिसे सफ़ेद कपड़े के खींचे हुए पर्दे के पीछे से रोशनी के साथ चलाया जाता है क्या कहलाती है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये कहलाती है छाया कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 38 श्री कैलाश सत्यार्थी को किस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया था? तो ये दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, और कब दिया गया था ये भी आपको याद रखना है, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित कार्यक्रम नियोजन के सोपानों को क्रमबद्ध लगाइए, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड AC यानी सबसे पहले आएगा समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करना, समस्या की पहचान करना, उसके बाद आएगा मध्य वर्तन का चयन करना, फिर आएगा लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करना, और लास्ट में आएगा कार्यक्रम की योजना बनाना, सबसे लास्ट आएगा निगरानी और मूल्यांकन। ये आप सभी को पता है इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में होता है, मूल्यांकन तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको थोड़ा सोच समझ के आंसर को राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 IMOK संप्रेषण के पहलू निम्नलिखित है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ABC यानी शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा, ये सभी अमौखिक संप्रेषण के पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 41 परिवार जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, ये किसने दी हैं परिवार जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ये दी है बिगोलो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 परिवर्तन के वर्ग किसके द्वारा बताए गए? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, तो ये दिए हैं मार्विन मुंडेल ने, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सी 4C उधार में सम्मिलित है? तो 4C का यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है, तो ये है 4C का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ABDE, कैरेक्टर, कैपेसिटी और
कैपिटल क्रेडिट स्कोर सबसे लास्ट में आएगा कोलेट्रल, यानी कोचेस इसमें नहीं है, कैरेक्टर कैपेसिटी कैपिटल और कोलेट्रल, ये 4C के यहाँ पर मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 44, रंग मेथी तयवंती में शामिल है। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी, चमक और ममता, ये रंग में तीव्रता या वर्णिकी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन से संबंधित है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये है LEED। क्वेश्चन नंबर 46, एक भारतीय रसोई घर के लिए किस प्रकार का फर्श सर्वोत्तम होता है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिरेमिक टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 47, कार्य के दौरान शक्ति की बचत हेतु शारीरिक यंत्र किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एस्थर सी ब्रेटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरणों को उचित क्रम में लगाइए, यानी जो डिसीजन मेकिंग है उसके जो प्रोसेस है उसका क्या होता है, उसके कैसे इसको लगाना है क्रम में, तो यहाँ पर पूछा गया है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी, यानी सबसे पहले आएगा समस्या को परिभाषित करना, ये हम नहीं, वो हमने थोड़ा अलग क्वेश्चन किया था, उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, समस्या को परिभाषित करना, फिर विकल्पों को पहचानना, उसके बाद आएगा विकल्प का विश्लेषण करना, उसके बाद आएगा आपका विकल्प को चुनना, और सबसे लास्ट में आ जाएगा निर्णय को कार्यान्वित करना या उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है? 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये कहलाती है नींव। क्वेश्चन नंबर 50, समय व मानव ऊर्जा का उचित सम्मिश्रण व प्रबंधन क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्य सरलीकरण, और कार्य सरलीकरण के अंतर ही मार्विन मुंडेल ने परिवर्तन के नियम दिए थे। ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो हमने कंप्लीट किए हैं, तो ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।